भाइयों ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर आपको 2025 में दिखेगा साथियों, पिक्चर अभी 2025 में दिखेगा। भाई कुशवाहा जी को भारी मतों से विजय बनाना है साथियों, इसलिए एक एक निशान, एक एक वीआईपी के पार्टी का नेता, एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में, लाखों नौकरी युवा को मिला साथियों। भाजपा और जेडीयू पहले से भी था, आप सबको पता होगा कि नौकरी कहीं पे नहीं था। जब ये महागठबंधन का सरकार तो नौकरी आप लोगों को मिला, क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव जी का ही विचार है कि गांव में गरीब युवा को नौकरी मिले साथियों। अधिकार चाहिए तो ये सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा वाले सरकार आपने देखा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये चुनाव जो है ये मामूली चुनाव नहीं है साथियों, ये चुनाव जो है वो खास चुनाव है। ये चुनाव एक तरह से कह सकते हैं अधिकार पाने वाला है, मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला है। इसलिए साथियों इस चुनाव में अपनी सारी शक्ति को झोंक दीजिए साथियों। ये पहले ये हमारा देश गुलाम था, लेकिन हमारा पूर्वज ने, आपके पूर्वज ने लाखों के संख्या में शहीद हुए, अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़े, तब जाके ये देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, संविधान बना के दिए हमें एक लोकतंत्र मिला, और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, ये हमें संविधान में मिला साथियों। और हमारा देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन 2014 में एक नेता आए और हम सबको एक बड़ा बड़ा सपना दिखाए। वो आए, एक तो झूठ बोलकर कहे हम एक पिछड़ा का बेटा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने देश के युवा को कहा कि आप हमें सरकार में लाओ, हम हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि देश से विदेश में काला धन है, उस काला धन को लाएंगे और हर एक गरीब को 15-15 लाख रुपया दे देंगे। और हमारे लोगों को लगा शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमें नौकरी मिलेगा, विदेश से जो काला धन आएगा वो हम लोगों को मिलेगा। और हमारा लोग बेगर सोचे समझे ऐसे लोगों को वोट दे दिया, देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार बन गया। और आज बताइए, आज हमारे देश में नौकरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है साथियों, नहीं मिल रहा है। आज देश में आज युवा उनका शादी नहीं हो रहा है, 22 साल की उम्र में होता है तो सोचता अगले साल पालेंगे और अच्छा शादी होगा, 23 साल का होता है तो सोचता अगले साल नौकरी पालेंगे फिर शादी होगा, इसी तरीके से अगले साल कर कर 35 साल पूरा हो जाता है, समय उनका निकल जाता है शादी का, ना अच्छा लड़की मिलता है ना नौकरी मिलता है, और घर पर परेशान रह जाता है साथियों। इसलिए साथियों अगर अधिकार चाहिए तो ये सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको मान सम्मान अधिकार चाहिए, तो ये सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार ऐसी लाना पड़ेगा जो आपके अधिकार की बात करेगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा वाले सरकार आपने देखा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार बनाए तो आपने देखा 2 परिवर्तन बिहार में हुआ, 2 परिवर्तन आपको मैं बता रहा हूं। एक, सामाजिक न्याय को मजबूती करने के लिए जाति आधारित गणना कराया गया, और जब जाति आधारित गणना कराया गया तो SC ST OBC अति पिछड़ा सबका आरक्षण का दायरा बना और ये समाज आगे बढ़ रहा है साथियों, आगे बढ़ रहा है। दूसरा, लाखों नौकरी युवा को मिला साथियों। भाजपा और जेडीयू पहले से भी था, आप सबको पता होगा कि नौकरी कहीं पे नहीं था। जब ये महागठबंधन का सरकार बना तो नौकरी आप लोगों को मिला, क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव जी का ही विचार है कि गांव में गरीब युवा को नौकरी मिले साथियों। इसलिए मजबूती से आप सबसे आग्रह है कि मजबूती से महागठबंधन के लिए लड़ाई लड़िए, और पार्टी हमारे गठबंधन जितने भी वीआईपी पार्टी के नेता है आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि साथियों मजबूती से संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, ये भाजपा वाला जो है वो कभी आपके साथ नहीं होगा। आपने देखा ना 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा,
हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन हमने समर्थन देके उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। वो नहीं चाहता कि गरीब पिछड़ा एक मल्ला का बेटा सर उठा के जिए, वो हमको रोड पे ला दिया साथियों। इसलिए पार्टी के एक एक नेता आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया पूरे बिहार में, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। इसलिए मजबूती से हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई अभय कुशवाहा जी को भारी मतों से विजय बनाना है साथियों। इसलिए एक एक निषाद, एक एक वीआईपी के पार्टी का नेता, एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए, अपने लोगों को एक एक संदेश दीजिए और मजबूती से प्रत्याशी जिताइए। भाइयों ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर आपको 2025 में दिखेगा साथियों। पिक्चर अभी 2025 में दिखेगा, जब बिहार में हमारी महागठबंधन का सरकार होगा और बिहार में जो युवा को नौकरी देने का जो सिलसिला तो जो चला था वो आने वाले समय में जारी रहेगा साथियों। इसलिए तमाम हमारे सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।